नमस्कार एवरीवन। तो आज हम सभी लोग मंजरी पाठ्य पुस्तक का कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 16 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 16 है क्या निराश हुआ जाए, जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है इसको यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। और लास्ट में क्या करना है आपको, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में करते आए हैं, पिछली वीडियो में करते आए हैं, सेम इसमें भी करना है। उसका फ़ोटो जो आप लिख लेंगे उसको आप फ़ोटो खींचेंगे, खींचने के बाद जो आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर आप सेंड करेंगे। उसके बाद आपके टीचर उसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद पुनः आपको रिसेंड कर देंगे, यानी कि वापस आपको भेज देंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है गद्यांश से। कुछ गद्यांश दिए गए हैं जिनका हमें अपने शब्दों में संदर्भ, अपनी शब्दों में क्या करना है उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे महत्वपूर्ण गद्यांश इस प्रकार से है, व्यक्ति चित्त डैश देने लगे। तो ये जो गद्यांश है इसका सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के क्या निराश हुआ जाए नामक निबंध से लिया गया है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों कभी भी अगर आपके सामने निबंध की बात किया जाए या कहानी की बात की जाए तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, गद्यांश बोलते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और गद्यांश अगर कोई लिखा होता है तो उसके नाम से पहले हम क्या लिखते हैं, उसके नाम से पहले हम लेखक लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारी कविता होती है तो कविता के पहले हम लिखेंगे, उसके नाम से पहले जो लिखा होता है रचयिता लिखते हैं या कवि लिखते हैं, ये हमेशा इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखेंगे। तो अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे भारतवर्ष में भौतिक संग्रह को महत्व ना देकर आंतरिक तत्व पर बल दिया गया है। लोभ मोह काम क्रोध पर समय का बंधन रखे जाने का महत्व माना गया है, फिर भी भूख व बीमारी की दवा और परोपकारी कार्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। व्याख्या है इस प्रकार से, मनुष्य हमेशा उच्च आदर्शों को आधार मानकर ही आगे नहीं बढ़ता, कुछ विकार जैसे लोभ मोह विकसित होकर उसे लक्ष्य से डिगाते रहे हैं, उच्च आदर्श और संयम आदि नगण्य हो गए हैं। जो कुछ विपरीत हुआ उससे उच्च आदर्शों संयम और विधानोक्त कार्यों की उपयोगिता अब और अधिक सामने आ गई है। दूसरा यहाँ पे गद्यांश है बच्चों, समाज की ऊपरी डैश संग्रह करते हैं। जो संदर्भ हमारा हो जाएगा वो पूर्वत की तरह ही रहेगा, जैसे कि हमने ऊपर लिखा पढ़ा। प्रसंग इसका इस प्रकार से है, आजकल लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता जबकि कानून को दिया जा सकता है। व्याख्या में लिखेंगे, अब यह आम धारणा बन गई है कि भारतवर्ष में धर्म कानून से बड़ी चीज है। आस्तिकता सत्य ईमानदारी मानव प्रेम आदि की मान्यता अब भी है और रहेगी। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, ठगी चोरी डकैती तस्करी आदि महापाप हैं, पर हित दरिद्र सेवा नारी सम्मान और मानव प्रेम आज भी परम पुण्य माने जाते हैं। सभी व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर अच्छा समझते हैं और नैतिक समर्थक देते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। अब यहाँ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको हम देखेंगे, इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं उसको हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न क्या बच्चों है,
कि हमें ये बताना है कि क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, आजकल लोग दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देते हैं, यानी कि उनके अंदर दोष अधिक है जबकि जो उनके गुण होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों पर कम ध्यान दिया जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। आप कभी भी देखते हैं तो आपके कभी भी अच्छाइयों को कोई नहीं दिखाना चाहता है। आपके अगर अंदर कोई अच्छाई है तो वो सामने कोई नहीं लाएगा, नहीं बताएगा। लेकिन आपने छोटी सी गलती अगर कर दी है तो उसको आप लोग सब लोग बार बार आपको दिखाते रहेंगे, इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। तो इसीलिए आज सभी लोग इस समय क्या है कि संदेह के दृष्टि से देखे जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर दूसरा है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं क्यों हिलने लगी? उत्तर में लिखेंगे, आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। बेईमान, स्वार्थी, धूर्त लोग फल फूल रहे हैं, किंतु गरीब, ईमानदार और श्रमजीवी लोग दिनों दिन पिस रहे हैं। समाज में जो भीरू और बेबस लोग हैं उन्हें दबाया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगला है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं क्यों हिलने लगी? बच्चों ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर तीन में पूछा गया है, किन किन घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है? इस कविता के माध्यम से कवि यही पूछना चाहता है कि किन घटनाओं के आधार पर लेखक यह कह रहा है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। तो उत्तर में लिखेंगे, कवि ने क्या देखा था वही यही चीज़ बताना है कि अभी भी ईमानदारी है। तो उत्तर में लिखेंगे, एक टिकट बाबू की ईमानदारी और एक बस कंडक्टर की कर्तव्य पारायणता की घटनाओं के आधार पर लेखक को यह लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रश्न नंबर चार है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। तो बच्चों अभी हमने बताया कि किसी की जो बुराई होता है तो लोग उसमें ज़्यादा ही आनंदित होते हैं उसकी बुराई करके, लेकिन अगर कोई अच्छाई अच्छा काम करता है तो लोग उसकी अच्छाई को तो ग्रहण करते हैं, मतलब कि अच्छाई को देखते हैं लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं। तो वही बात यहाँ पे पूछी गई है। तो उसका उत्तर इस प्रकार से है, लेखक कहता है कि लोग एक दूसरे की बुराई को बड़ा रस लेकर उद्घाटित करते हैं, यानी कि शो करते हैं, जो बहुत बुरी बात है, किंतु दूसरे की अच्छाई को उतना ही रस लेकर प्रकट करने में संकोच करना तो और भी बुरी बात है। हमारे आसपास असंख्य घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें यदि उजागर यानी कि प्रकट किया जाए तो लोगों के दिल में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जाग सकती है। अतः अच्छाई को प्रकट करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। बच्चों अगर आपके सामने कहीं भी अच्छाई दिख रही हो तो उसको आप उसका खुल अपने आप से समर्थन कीजिए, जितना भी हो सके उस अच्छाई को आप बाहर लाइए, सबके सामने में रखिए कि उसने अच्छा काम किया, कैसे किया, कितनी मेहनत से किया, उसको आप जनता के सामने समाज के सामने ज़रूर प्रकट करिए। यही चीज़ यहाँ पे कभी भी कहना चाहता है। प्रश्न नंबर पाँच है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियाँ दी गई, उसका हमें अपने शब्दों में भाव बताना है, यानी कि उसका आशय बताना है, अर्थ बताना है। ठीक है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। जो ईमानदारी है उसको मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा।
सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसका आशय इस प्रकार से है, कवि यह बताना चाह रहा है कि वर्तमान समय में धन का महत्व इतना बढ़ गया है कि बेईमानी से कमाए गए धन से धनवान लोग भी सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं। समाज में उनकी खूब प्रतिष्ठा है, फलतः लोग चालाकी से बेईमानी से धन कमाने में लगे हैं। जो ईमानदार बने रहने की कोशिश करता है वह उसे समाज उसे मूर्ख समझता है, क्योंकि उसके पास धन का अभाव होता है। सच्चाई का पालन करने वाले वास्तव में बेबस लोग ही हैं, यानी जो गलत कार्य करने से डरते हैं या जिनके पास गलत तरीके से धन कमाने का कोई रास्ता नहीं है, वह सच्चे और ईमानदार बने हुए हैं। दूसरी पंक्ति यहाँ पे दी गई है, उसमें लिखा गया है, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। इसका आशय इस प्रकार से है, यदि हम केवल जीवन में उन्हीं बातों का ध्यान में रखें जिनमें हमारे साथ धोखा हुआ है या हमें किसी तरह से तकलीफ पहुंचाई गई है, तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसे में हम जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे और अतीत की बुरी घटनाओं की याद में उलझे रहेंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपके अगर कभी भी जीवन काल में कोई ऐसी घटनाएं घटी हों जिसको आप बार बार सोचते रहते हैं, उसी को लेकर पड़े रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके सामने जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं उसको भी सोचकर आनंदित होते रहिए। ये नहीं कि बुरी चीज़ें आपके साथ अगर कोई घटना घटित हो गई तो उसी को सोचकर आप उसी में पड़े हुए हैं। वही चीज़ यहाँ पे कभी कहना चाह रहा है, यानी कि जीवन का हर पल आप आनंद लेते रहिए, अतीत की बुरी घटनाओं को आप भूल जाइए, उसमें उलझे ना रहिए। आशय यह है कि हमें नकारात्मक घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि जीवन में घटने वाली सकारात्मक घटनाओं से आस्वांतित होना चाहिए। यानी कि मुझे आशा होना चाहिए कि भविष्य में हमारे साथ अच्छी घटनाएं घटेंगी। ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए कि भविष्य में मेरे साथ अच्छा होगा। अगर आपके साथ बुरा हो चुका है तो कभी भी ये ना सोच के चलिए कि हमारे साथ हमेशा बुरा होता रहेगा। ये सोच के आशा करके बैठ रहिए कि आनंद होते रहिए कि हमें भविष्य में कहीं ना कहीं अच्छा सकारात्मक होकर घटनाओं को सोचना है और अच्छे से उसको अपने जीवन को जीना है। प्रश्न अगला यहाँ पे पंक्ति दी गई है, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इसका आशय इस प्रकार से है, हमारे देश में वैसे तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह और लोभ मोह क्रोध जैसे विकारों को महत्व नहीं दिया गया, परंतु यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे अपने लिए भोजन जुटाने का उपाय करना ही पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बीमार की उपेक्षा नहीं कर सकता, यानी सॉरी बीमारी की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसे दवा हर हाल में चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि समाज में या देश में कोई व्यक्ति गलत काम करने लगा है, कानून का उल्लंघन कर मनमानी करने लगा है, अपराध में लिप्त हो गया है, तो उसे सुधारने के लिए उसे सजा देनी ही पड़ेगी, अन्यथा वह दूसरों को दुखी करता रहेगा। अगली पंक्ति यहाँ पे है, महान भारतवर्ष के पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। आशय इस प्रकार से है, लेखक का कथन हमें यह संदेश देता है कि केवल कुछ बुराइयों को देखकर निराश नहीं हो जाना चाहिए। इस देश में ईमानदार कर्तव्य पारायण और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमारा देश बुराइयों पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा, अतः महान भारतवर्ष को पाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे है, नीचे कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, उनकी
प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। कौन कौन से यहाँ पे शब्द दिए गए हैं आपको लिखा है सामने, एक तो क्योंकि, दूसरा किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, चूंकि, तथा, अतः है। इस शब्द हमें अपने वाक्य में प्रयोग करके बनाने हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला यहाँ पे है क्योंकि, पहला हमने वाक्य ले लिया, अव्यय ले लिया क्योंकि। क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अव्यय और इधर लिखेंगे वाक्य में प्रयोग। ठीक है, वाक्य में प्रयोग। तो पहला लिखेंगे क्योंकि, इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। दूसरा है किंतु, कहीं ना कहीं ये जो शब्द आपके दिए गए हैं आपके वाक्य में आने चाहिए, यही आपको यहाँ पे करना है सिंपल सा। और आप कोई भी शब्द बना सकते हैं अपने मन से, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो लिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है वही आप करें। आपके मन में जो भी शब्द आए उसको आप लिख सकते हैं, किसी से पूछ कर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे। किंतु दूसरा शब्द यहाँ पे आप क्या है, दूसरा अव्यय है किंतु। किंतु अव्यवाक में प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा, वह गरीब था किंतु उसकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। तीसरा अव्यय है परंतु, वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा, वह आपसे ही मिलने आया था परंतु आप शहर से बाहर थे। अथवा, तुम अंग्रेजी अथवा हिंदी में कोई एक भाषा चुन लो। इसलिए रमा मेरी बात नहीं मानती, इसलिए मैंने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया। अगला है चूंकि तुम एक मंत्री के बेटे हो, इसलिए तुम किसी पर भी अपनी मर्जी थोप सकते हो। तथा, ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठता, स्वाभिमान, साहस तथा आत्मनिर्भरता वीर पुरुषों के गुण है। यहाँ पे आपको बीच में तथा दिखाई दिया, यानी ये शब्द जो आपको दिए गए हैं कहीं ना कहीं आपके वाक्य के प्रयोग में आगे या पीछे कहीं भी आने चाहिए, यही आपको करना है। अतः है, वह आपसे मिलना नहीं चाहता, अतः आप यहाँ से चले जाएं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 है। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ईमानदार तथा मूर्ख। शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं बच्चों, क्या मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी के गुण के बारे में बताया गया है, किसी के गुण की विशेषता बताने को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो कोई व्यक्ति ईमानदार है, यानी उसका जो यहाँ पे विशेषण शब्द है, यानी उसका जो गुण है क्या है, वो ईमानदार है। मूर्ख है वो क्या है, मूर्ख है, यानी उसका वो गुण है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका जो किसी शब्द का विशेषण यानी गुण की व्याख्या करता है उसको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताएं किसी चीज़ की, उसे विशेषण कहेंगे। ये शब्द हमारी विशेषता बता रही है, ये भी शब्द कहीं ना कहीं उसकी विशेषता है। मूर्ख हो या चलाक हो, कहीं ना कहीं उसकी विशेषता तो ही है ना। सेम इस प्रकार से यहाँ पे ईमानदार के लिए भी हो जाएगा, वो ईमानदार हो वो भी एक विशेषता है। तो यहाँ पे 2 शब्द से आपके दिए गए हैं, एक ईमानदार और एक मूर्ख। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसमें क्रमशः ई प्रत्यय तथा ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनाया गया, एक तो ईमानदारी बनाई गई, दूसरा मूर्खता। मूर्ख से क्या बना, मूर्खता, और ईमानदार से क्या बना गया, ईमानदारी बनाई गई। इसी प्रकार और शब्द हमको दिए गए हैं नीचे, कौन कौन से शब्द बच्चों दिए गए हैं, जैसे कि निर्भीक, जिम्मेदार, कायर, अच्छा, लघु, बुरा, इस शब्द हमको दिए गए हैं। इन शब्दों को क्या करना है, हमें प्रत्यय लगा करके क्या बनाना है, हमको भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे बच्चों प्रत्यय होता क्या है, कई बार हमने बता चुका है फिर भी बता देते हैं प्रत्यय क्या होता है। जो प्रत्यय होता है शब्द को, जो हमारा शब्द दिया जाता है उसके आखिरी में जुड़ता है, यानी जो शब्द होगा उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ईमानदारी या मूर्खता, अगर मूर्खता की बात करते हैं, ये मूर्ख आपका पहले से था, इसमें उसने बोला ता प्रत्यय जुड़ा, कौन सा ता, तो इस प्रकार ही अगर ता इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हमारा बन जाता है, मूर्खता। ठीक है, ये क्या हमारा हो गया, एक भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है,
उसी प्रकार ईमानदार था, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, ईमानदारी हो जाएगी। और कुछ शब्द दिए गए उसको हमको बनाना है, तो आइए देखते हैं जो शब्द है उसको भाववाचक संज्ञा इस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे, बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो पहला शब्द यहाँ पे था निर्वीक, इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया बच्चों, ता प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो ये बन गया क्या, निर्भीकता। ऐसे आप प्लस जोड़ के पदम बनाएंगे। इसमें जिम्मेदार, इसमें क्या होंगे, जिम्मेदारी, ई प्रत्यय जोड़ दिया गया, क्या हो गया हमारा, जिम्मेदारी। अगला शब्द है कायर, कायर में ता प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, कायरता। यानी लास्ट में देखिए आप जुड़ रहा है सब शब्द, यानी जब लास्ट में जुड़ता है तो उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, अगर शब्द से पहले जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, अच्छा में ई प्रत्यय जोड़ लेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, अच्छाई। लघु में क्या जोड़ देंगे, ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लघुता। इस प्रकार से यहाँ पे प्रत्यय। एक और बचा है लास्ट का, बुरा, तो बुरा में अगर ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो, सॉरी, ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुराई। यानी ई प्रत्यय इसमें जोड़ देंगे तो हमारा बुराई हो जाएगा। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अपने टीचर को आप चेक करा सकते हैं। इसको कैसे चेक कराएंगे, जैसे कि इस समय तो अभी आपकी क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्या करेंगे, आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसका फ़ोटो खींचेंगे। खींचने के बाद उसको अपने कॉलेज या स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा उसमें आप सेंड कर देंगे और वहाँ के अपने टीचर उसको चेक करेंगे और सेंड कर देंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।